बसफ़िल्रिम या कबोई या कस्तीन सबसे पहले तो मैद आपको मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने दो काम किए एक तो ये जो पोर्टल आपने लॉन्च किया जिसकी वजह से मौक़ा मिलेगा हमारे इंटेलेक्चुअल्स को एक्डेमिया को शिरकत करने का हमारी डिबेट और नेशनल सिक्योरिटी तो एक तो इसकी मैं आपको मुबारक देता हूँ और दूसरा जो आज आपने ये इस्लाम सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज़ किया है इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये आ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे फ़ौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर होंगे लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था मसलन क्लाइमेट चेंज इसकी कोई पाँच छः साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की लेकिन जो जिधर आज पाकिस्तान है हमारे लिए तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज़ है जो सबको ओवर शेडो कर सकता है जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान की वनरेबलिटी क्लाइमेट चेंज को तो ये तो हमारी नस्लों के लिए हमारी जनरेशन के लिए एक इतनी खौफनाक चीज़ हो रही है जिसका आ, और मुझे बड़ी फख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो ये आता ही नहीं था कभी पहले तो ये नई चीज़ है एक और ये उतनी ज़्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फ़ौज जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से ये भी एक अब एक इशू आ गया कि हमें अब क्लाइमेट चेंज की पूरी तैयारी करनी है मुल्क को तो ये भी एड हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए फौज के ऊपर मैं पहले कह दूं कि जो जिस जिस अजाब से गुज़रा हमारा मुल्क नाइन अलेवन के बाद और जिस तरह की फिर वो आ, इस मुल्क को जो सिक्योरिटी थ्रेट थी तो ये तो ये एक ओकेजन है जिधर तो मैं पहले तो अपनी फ़ौज को अपनी आर्म फोर्स को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी लेकिन हमें सिक्योर किया और आज आ, अगर हम और कई और मुल्कों के मुकाबले में जिन जो उसी तरह की थ्रेट फेस कर रहे थे उससे हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जिस तरह हमने कॉम्बैट किया तो ये रिमार्केबल है और ये हमें बड़ी सिक्योरिटी देता है लेकिन आगे हमारे और भी चैलेंजेस हैं जिस तरह पहले मैंने क्लाइमेट चेंज का कहा और मैं ये भी हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है जो हमारी टेन बिलियन ट्री सुनामी है ये इंटरनेशनली एक्नोलेज है कि हमने वो स्टेप्स लिए हैं अब जो दुनिया में बड़े कम मुल्क ले रहे हैं और हम हर उस मुल्क के साथ अब शामिल होंगे जो कि वो पेरिस अकॉर्ड की आ, उसके साथ जो जो भी अब आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स लेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने रिवर्स की अपनी पॉलिसी जो पिछले चार साल की थी और ये भी अब पूरी तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर शिरकत कर रहे हैं जो हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें ये आगे जितनी हमारी मस वीट की जो प्रोडक्शन और जितनी अब हमें जो देखा है कि पहली दफ़ा हम इस चार मिलियन टन वीट हमने इंपोर्ट किया एक साल में तो गिवन कि हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है तो इसके ऊपर भी एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर इन अप्रैल में हम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आप एक पूरी चीज़ लेके आ रहे हैं एक नई नई सोच लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान को फूड सिक्योर करना है क्योंकि हमें ये जो दो साल में एक्सपीरियंस हुआ हमने रियलाइज़ किया कि हम बिल्कुल ही कॉम सोच ही नहीं रही कि आगे जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं हमने हमारी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी सोचने की सोचने की तो दूर की बात है हमारी असेसमेंट ही नहीं ठीक होती थी कि कितनी प्रोडक्शन होगी हमारी गंदम की या वो सारे हमारे जो जो उन्होंने एस्टिमेट्स किए वो थे सब गलत निकले तो तो अब हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा जोर देना है हमने कि अपने आप को फूड सिक्योर कैसे करना है अपने पॉपुलेशन को जो है और यंग आबादी है इसका मतलब हमारी ग्रोथ बाकी मुल्कों से ज़्यादा तेज़ होगी लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके साथ साथ उतनी इम्पोर्टेंट वो है हमारी इकॉनमी हमारा जो वनरेबलिटी है वो ये कि जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर बाहर जाते हैं उनमें ट्रेडिशनली बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है ये जो खसारा है ये डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है हमारी करेंसी के ऊपर और वो करेंसी जब इफेक्ट होती है तो वो सब चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं सबसे पहले तो इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है आ, तेल बढ़ता है बिजली बढ़ती है ट्रांसपोर्ट बढ़ती है फिर जो हमारी सेवेंटी परसेंट दाल इंपोर्ट करते हैं गरीब आदमी का खाना है वो बढ़ जाती है घी हमारा बाहर से एडेबल ऑयल इंपोर्ट होता है वो बढ़ जाता है और वो सारी चीज़ें जब इफ़ेक्ट होती हैं तो उसका नतीजा आखिर में गुर्बत पर पड़ता है हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ जाती है तो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो हो ही नहीं सकती जिस मुल्क के अंदर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समंदर हो ये कभी भी वो मुल्क सिक्योर नहीं होता सिक्योर वो मुल्क होता है जिसके अंदर सब बिलीव करते हैं कि हम ये हमारी गवर्नमेंट है ये हमारा मुल्क है हमारा भी स्टेक है इस मुल्क के अंदर जब तक कि वो लोग ओन नहीं करते अपने मुल्क को तो वो सिक्योर नहीं मुल्क होता फ़ौज सिर्फ सिक्योर नहीं कर सकती नेशनल सिक्योरिटी का मतलब एक नेशन एक नेशन खड़ी हो जाती है अपने आप बिलीव करती है उसकी स्टेक होता है उस मुल्क को बचाने के लिए तो इसलिए ये जो हमारा हमारी इकोनमी है और जो अब तक हमारी एक एटेस्ट सिस्टम रहा है जिसने सिर्फ़ एक छोटे से एट को कैटर किया है ये सबसे बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है कि हमने वो करना है जो एक्चुअली चाइना ने किया था चाइना की रिमार्केबल चीज़ है मैं तो जब भी चाइना गया हूँ हमेशा मैंने उनसे ये ब्रीफिंग्स लिए हैं कि उन्होंने ये कैसे किया ये मेरिक के लिए दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि उन्होंने 700 मिलियन लोगों को पिछले 30-35 साल में गुरबत निकाल के ऊपर ले गए और अब जो प्रेसिडेंट शी ने रिसेंटली कहा उन्होंने सेलिब्रेट किया कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दिया चाइना में ये बहुत यानी जिस तरह भी आप देखें जो चाहे चाइना को पसंद करें या ना करें इस ये तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें एडमायर करनी चाहिए और ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देती है एक मुल्क को कि जिस मुल्क का हर इंसान समझे कि गवर्नमेंट हमारी भी फिक्र करती है और हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी जो गुरबत है हमारी पच्चीस परसेंट पॉवर्टी पावर्टी कह लें और उसके बाद भी ऊपर पच्चीस परसेंट वो लोग हैं जो थोड़ा सा शौक़ पड़ता तो वो पावर्टी के नीचे आ जाते हैं तो हमारी जो सबसे बड़ी कॉन्सन्ट्रेशन होनी चाहिए इनको ऊपर से कैसे उठ इनको ऊपर कैसे लेके आना है तो एक तो हमारा एहसास प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पॉवर्टी एलिविएशन का है इसमें हमने चाइना जिस तरह तो चाइना ने अचीव की आ, ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की रेडिकेशन उनसे हमने काफ़ी चीज़ें मिली हैं लेकिन उनका भी हर मुल्क का अपना अपना कल्चर और थोड़ा फ़र्क होता है वो जो चीज़ें कर सकते हैं हम नहीं कर सकते वो पूरी की पूरी आबादी पूरी की पूरी आबादी उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते लेकिन उनके पास उन्होंने जो जिस तरह वो पब्लिक बिलीव करती है उनके अंदर वो पब्लिक भी ट्रस्ट करती है कि हाँ ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो हमें एहसास प्रोग्राम के अंदर अभी हमने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं एक तो हमने जो कैश डिस डिसबर्समेंट हमारी हुई थी कोरोना के दौर पे वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया सबसे थोड़े टाइम में सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से शिफाफियत से हमने इतना ज़्यादा पैसा बांटा लेकिन जो अब हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है ये इनशाला इस मुल्क में और बल्कि दुनिया में भी इन शाला एक्नॉलेज होगा टारगेटेड सब्सिडीज़ और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हम आधी आबादी से भी ज़्यादा को टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे अभी सब्सिडी सब मसलन गंदम के ऊपर सब्सिडी है तो वो मैं भी उस वही उतना ही पैसे दे रहा हूँ जितना गरीब आदमी दे रहा है लेकिन ये जो अब और इसमें बहुत काम हुआ है हमने इसका जो डेटा बड़े माइन्यूटली ये डेटा इकट्ठा किया है इस पर बड़ी डिटेल्स में जाके कि हम कैसे हर घर को अगर गंदों पर सब्सिडी सब्सिडी देनी चाहिए तो उसको डायरेक्टली दें अगर घी पे देने चाहते हैं फिर किसानों को अगर हमने उनको फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देनी है तो उनको कैसे दे सकते हैं डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं ये इन एक रेवोल्यूशन होगी और इसकी सबसे सब बड़ा मकसद ये होगा कि हमने लोगों को गुरबत से उठाना इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आ, वो है कि इकॉनमी को अपनी मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाना वो हमने ज, जिस तरह भी हमने देखा है जब तक हम हमारी रीजनल पीस नहीं होगी हमारे इलाके में जो हमारे नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुक और ट्रेडिंग टाइज ठीक नहीं होंगी वो जो जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है इसका हम पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकते हम असल में अगर ये इलाके में अमन आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिशरी पाकिस्तान है क्योंकि हम चारों तरफ कनेक्टेड हैं हम दुनिया की दो बड़ी मार्केट्स से कनेक्टेड हैं यानी हम कनेक्ट एक से तो हैं चाइना के साथ दूसरे से भी हो सकते हैं इंडिया के साथ एक तरफ ईरान है आ, एनर्जी उधर से हमारे वो डेफिशनसीज़ पूरी हो सकती हैं फिर सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में अमन आता है तो सेंट्रल एशिया तक तो ये जो लोकेशन है इसका सिर्फ फ़ायदा हम तब उठा सकते हैं जब हमारे रीजनल पीस हो चाइना से तो हमारे बेहतरीन ताल्लक़ हैं और बेहतर होते जाते हैं अफगानिस्तान बड़ी देर के बाद एक उम्मीद मिली है पीस की और ये बहुत देर के बाद एक अपॉर्चुनटी आई है किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये कितना मुश्किल है इसके अंदर बड़े चैलेंजेस हैं जो एक मुल्क में 20 साल से अगर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो तो वो इतनी दुश्मनियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि इतना और मिसट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि आसान नहीं है लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए और अगर कोई मुल्क का स्टेक अफगानिस्तान में अमन का है अफगानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान है हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं जितने जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं सेंट्रलीशियन लीडरशिप्स है से, वो सब इंट्रस्टेड है आ, पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए जो उस लैंड लॉकड हैं तो उनके लिए पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो सब खुलती है उसकी चाबी है अफगानिस्तान में अमन की तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने अपना पूरी जो हम कर सकते थे हमने कोशिश की है इसकी अफ़गानिस्तान में अमन की आ, लेकिन चैलेंजेस हैं नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी अब उसी रास्ते पे चली गई है कि वो भी समझते हैं कि ये ये और 20 साल एक जंग चली है, और ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं और इन कि एक दफ़ा अफगानिस्तान सेटल होता है तो बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा इस सारे इलाके में अफगानिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए फिर सेंट्रल एशन से कनेक्शन है जो अभी हमारी नगोसिएशन चल रही हैं उज़्बेकिस्तान से ए, एक ट्रेन रूट की जो कनेक्ट करेगा पाकिस्तान को उजबेकिस्तान और आगे अब लास्ट आ गया इंडिया ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज़ हैं और हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है हम उसको कैसे डायलॉग के ज़रिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारे यहाँ टोटल ब्रेक डाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीर कश्मीरियों को जो उनका राइट है जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल उनको राइट दिया है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम, हम पाकिस्तान के लिए कि अगर अगर ये वो उस तरफ पीस की तरफ डायलॉग के ज़रिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फ़ायदा है हिंदुस्तान को भी फ़ायदा इसलिए है कि वहाँ भी बहुत बड़ी गुर, बहुत गुरबत है तो सबसे ज़्यादा अगर गुरबत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज़ और हमारी इकनॉमिक एक, टाइज़ स्ट्रांग हो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े हिंदुस्तान को फ़ायदा वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक तो ये ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस इस वक्त तक और हमारी हम तो अपनी कोशिश करेंगे लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ अगस्ट के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ मैं आखिर में मोहित आपको फिर से मुबारक देता हूँ ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो आ, आ, जो हमारी सिक्योरिटी डिवीजन है वो वो कनेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और ये जो आपने पोर्टल आज लॉन्च किया है ये बहुत ज़रूरी है कि एक किस्म की एक बल्कि ये मुल्क की कोहिशन के लिए ज़रूरत है कि सबकी इनपुट आए सबका कॉन्सेप्ट पता चलवाए कि हर पाकिस्तानी का क्या कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का और वो रीजन टू रीजन भी वेरी करेगा आप हैरान होंगे कि जो बलूचिस्तान में लोग समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी वो शायद पंजाब में नहीं समझते या जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जो फाटा है वो डिस्ट्रिक्ट्स उनके अंदर भी इस वक्त और इश्यूज़ हैं सो ये जब आप ये डायलॉग शुरू करेंगे और ये पोर्टल के ज़रिए तो इससे बहुत ज़्यादा जो जो हम चाहते हैं इंक्लूसिविटी पाकिस्तान के अंदर एक आ, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से नेशन बिल्डिंग में और नेशनल सिक्योरिटी में ये बहुत फ़ायदा देगा शुक्रिया